डेंटल एब्सेस और डेंटल सिस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और काफी लोग डिफ्रेंशिएट दोनों के बीच में नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डेंटल सिस्ट के बारे में बताऊंगा और डेंटल एब्सेस के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। डेंटल सिस्ट बेसिकली एक क्लोज सैक होता है टिश्यू का और उसके अंदर एयर, सॉफ्ट मटेरियल या कभी कभी फ्लूइड भी पाया जा सकता है। डेंटल सिस्ट की जो ग्रोथ होती है बहुत ज्यादा स्लो होती है, महीना लग जाता है, कभी कभी साल लग जाता है और लोगों को पता भी नहीं लगता है, और जब पता लगता है तो काफी देर हो चुकी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं डेंटल सिस्ट बनने का क्या रीजन होता है, क्या कारण होता है। अगर माउथ में इम्प्रॉपर वे में डेवलपमेंट हो रहा है टूथ का या उसकी पोजीशनिंग माउथ के अंदर ठीक नहीं है तो वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डेंटल सिस्ट बनने का। अगर पेशेंट ने रूट कैनल ट्रीटमेंट करवाया है बहुत साल पहले और वो सही तरीके से नहीं हुआ है तो काफी साल लग जाते हैं या महीना लग जाता है डेंटल सिस्ट बनने का, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा स्लो होती है। विजडम टूथ, अकल दांत या थर्ड मोलर ये सबसे ज्यादा परेशान करता है और माउथ के अंदर सबसे लास्ट में निकलता है। एक तो ये सही तरीके से निकलता नहीं है और वहां पर ना सही तरीके से निकलने की वजह से सिस्ट फॉर्मेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। शुरुआती स्टेज के डेंटल सिस्ट में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको डेंटल सिस्ट बन रहा है क्योंकि कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। अगर एक बार हो जाता है तो क्या सिम्टम्स होते हैं चलिए जानते हैं। पेन सबसे कॉमन है और सबसे पहले होता है। आपके टूथ में सेंसिटिविटी होने लगेगी, दो दांतों के बीच में, टूथ के बीच में गैपिंग आ जाती है और जहां पे सबसे ज्यादा फूड लॉजमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको फील होगा कि आपका टूथ जो है मोबाइल कर रहा है, हिल रहा है, लूज हो जाता है काफी ज्यादा टूथ आपका। मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, आप अगर मसूड़ों को दबा के देखेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगेगा। डेंटल सिस्ट कई तरीके के होते हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जानते हैं टाइप्स ऑफ डेंटल सिस्ट। तो सबसे पहला सिस्ट आता है पेरियापिकल सिस्ट, दूसरा सिस्ट होता है फॉलिकुलर सिस्ट और आखिरी में आता है केराटोसिस्टिक ओडोटोजेनिक ट्यूमर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पेरियापिकल सिस्ट की, जिसे हम ओडोटोजेनिक सिस्ट के नाम से भी जानते हैं या फिर रेडिकुलर सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपके टूथ के अंदर पल्प टिश्यू पाया जाता है और वो कभी कभी उसमें नेक्रोसिस हो जाता है या डेड हो जाता है। और ये क्यों होता है, ट्रॉमा की वजह से होता है या आपके टूथ के अंदर इतना ज्यादा कैविटी हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं दांतों के अंदर, जिसकी वजह से जो पल्प है वो काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है और उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। अगर पल्प में नेक्रोसिस हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन होने लगता है और टॉक्सिन रिलीज करता है रूट के टिप पर और वहां पर सिस्ट बनने के चांसेस धीरे धीरे होने लगते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्ट की, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर सिस्ट या डेंटिजीरस सिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सबसे ज्यादा डेंटिजीरस सिस्ट जो है आपके लोअर विजडम टूथ में पाया जाता है या फिर परमानेंट अपर कैनाइन में पाया जाता है। इंपैक्टेड कैनाइन और इंपैक्टेड मोलर के बारे में आपने जरूर सुना होगा, खासकर इंपैक्टेड मोलर के बारे में। इंपैक्टेड मोलर जो हमारा अकल दांत होता है, विजडम टूथ या थर्ड मोलर बोल लीजिए, सही तरीके से तो निकलता नहीं है। बहुत किस्मत वाले लोग हैं जिनका निकल जाता है और ज्यादातर लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती है और जो उनका मोलर है ना वो अंदर ही बोन के अंदर पड़ा रहता है और आखिरी में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है और लोग उसको निकलवा देते हैं। और कैनाइन भी कभी कभी सही तरीके से निकलता नहीं है, अनइरप्टेड होता है, अंदर ही जो है वो धीरे धीरे जो है वो ग्रो करने की कोशिश करता है और वो फॉलिकल पे प्रेशर देता है। जब फॉलिकल पे प्रेशर देता है तो जो ब्लड जो फ्लो होती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है, जो इनेमिल का मेम्ब्रेन टिश्यू है और जो कोरोनल पोर्शन है टूथ का, उसके बीच में फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है और डेंटिजीरस सिस्ट या फिर फॉलिकुलर सिस्ट बनने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं केराटोसिस्टिक ओडोटोजेनिक ट्यूमर के बारे में। ज्यादातर केराटोसिस्टिक ओडोटोजेनिक ट्यूमर पोस्टीरियर एरिया ऑफ अ लोअर जॉ में पाया जाता है।
इसकी जो डायग्नोसिस होती है इसमें बायोप्सी या पैनोरामिक एक्सरे की जरूरत पड़ती है। पेशेंट में स्वेलिंग सबसे ज्यादा पाया जाता है और जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं सिस्ट के वो सब भी इसमें पाया जाता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और पेशेंट को लाइफ टाइम के लिए चेकअप के लिए बुलाया जाता है जिससे कि ये रीअकर ना करे। डेंटल सिस्ट का जो ट्रीटमेंट है ये दो तरीके से किया जा सकता है। पहला होता है सर्जरी, दूसरा होता है एंडोडोंटिक थेरेपी से। अगर पेशेंट में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है तो डेंटल सिस्ट को रिमूव करने से पहले ही हम लोग रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसके बाद डेंटल सिस्ट को रिमूव करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो डेंटल सिस्ट के साथ आपके टूथ को भी रिमूव कर देते हैं क्योंकि सिस्ट बनने के जो रीअकरेंस के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, वापस बन सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके टूथ में अगर डेंटल सिस्ट हो जाता है, डॉक्टर आपको बताता है तो आप अपना टूथ ही निकलवा दीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सिस्ट को निकलवा दीजिए। अगर सिस्ट बहुत सीवियर फॉर्म में बहुत ज्यादा फैल जाता है तब आपको टूथ निकालने की जरूरत है। अगर छोटा सा है या एक पर्टिकुलर एरिया पर है तो आप उसको रिमूव करवा दीजिएगा, टूथ को नहीं सिस्ट को। क्या डेंटल सिस्ट एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है? अगर डेंटल सिस्ट आपका बहुत ही छोटे साइज का है तो आप एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक दे सकते हैं। अगर सिस्ट बहुत ज्यादा सीवियर हो गया या बड़ा हो गया है तो निकालने के अलावा या ड्रेन आउट करने के अलावा उसका और कोई चारा नहीं है। सर्जरी करने से पहले बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं पेशेंट को ओरल प्रोबायोटिक्स खिलाते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है उसमें बहुत अच्छे अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उनका नंबर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से जो हीलिंग प्रोसेस है वो काफी अच्छी हो जाती है। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा और बिना लाइक किए मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको डेंटल सिस्ट के बारे में कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप यू स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स फैमिली और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।